दोस्तों वतन दो टीवी प्रोग्राम देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर थानू जी आया नू। और तुसी देख ही रहे हो स्टूडियो दे विच अज मेरे नाल मौजूद ने बब्बू मान जी। मान साहब जी आए, सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। पिछले जो आप झात मारीए पंजाबी सिंगरां वल नू बहुत वाधा होया सीगा पंजाब दे विच, ते डीजे ने उत्थों आण के उन्हां दे काम धंधे काफ़ी जिहड़े रुकाते, सो इस टाइम की हालात है? डीजे दा इन्ना नुकसान नहीं होया जी जिन्ना नैट दा नुकसान होया। डीजे तां चलो उहदे च वी दो तीन गल्लां है, आपां डीजे वालों नूं गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, रोटी तो सब ने खानी है। डीजे का डीजे की इको प्रॉब्लम है कि वह रॉयल्टी देंदे रहन, पर रॉयल्टी का प्रॉब्लम यह भी वह कंपनी ले जानी है। जिदा हुण IMI बन गई इंडिया च, उहदे च चार पैसे वाले जुड़ गए, बड़िया कंपनी जुड़ गया, जिहड़ा पंजाब का ग्रुप फॉर्म हो रहा इन्ह का कंपनी वाले का वह हो ही नहीं सकया, उन्होंने आपसी बड़ी प्रॉब्लम है, चौधर की प्रॉब्लम है। सो हुण IMI जिहड़ी है बॉम्बे तो ऑपरेट करदे आ, वो सारे डीजे दे लाइसेंस कढ़दे आ, अरबां करोड़ां रुपया इकट्ठा कर लैंदे आ आपदी जेबां च पा लैंदे आ। दसो मैनूं कि कंपनी नूं किन्ने चैक मिलदे आ? थोड़ा जिहा तो हट के गलबात करदे आ, तुहाडे जिहड़ी संगीतक जिहड़ी दुनिया है, क्योंकि तुसीं लिखदे भी हो, म्यूजिक भी आप दिंदे हो, आवाज़ भी तुहाडी अपनी हुंदी है, ये सारी कला जिहड़ी कुदरती आई है जां तुसीं बकायदा इहदी सिख्या लई? नहीं, सिक्ख्या तो मैं ली है, बट आप दे आप च जिदा मैं बहुत ही मेहनत करी है, जदों मैं किताबा भी बहुत पढ़िया, टिप्स भी लेंदा रहा, बट मैं परसनली उस्ताद उस्तूद के हक च नहीं, जिदा आप टीचर्स तो सीख लें इदा का तो होना चाहिए कि फॉर टाइमिंग तुम जिदा नॉर्मलाइज आप इवनिंग क्लासिज लाने या हॉबी क्लासिज लाने, है ना। बाकी मैं लगता कि इस दुनिया च सारा कुछ है, तो बहुत सारे कई बार जिदा जो शायर आ ज राइटर आ वो कह देंगे कि फलाने की चीज़ फलाने ने चोरी की थी। हो सकता कि विचार भी कई बार मिल जाए, पंजाबी तो उही अखर तो उन्ने की अपने दो तरह के शायर होने, चोरी नज़रिया समाज के बारे कुछ कह सकते, कुछ लोग जो लिखते हैं पढ़ के लिखते हैं। फॉर उदाहरण के तौर पर दुनिया बहुत सारे राइटर हैं जोड़े किताबा पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़न वेले कई शब्द औड़ते हैं, शायद वो उस वेले लिखते हैं। कुछ लोग होंगे कि डायरैक्ट रिएक्ट करते हैं, जिदा सिचुएशन रिएक्ट करके वो दिमाग च लफज आ गए, वो बेसिकली प्रैक्टिस है बहुत, किसी चीज़ तो पढ़ के वो तो मतलब प्रभावित होकर लिख लिख लेना अजे फिर भी सौखा होता है, पर एक नवी चीज़ कढ़ के लिख लेनी वो थोड़ा तजर्बा है। पर तुसी हुण जिहदा पढ़ जिहदा आपां हुण तरपाई आपां पिंडां च लेडीज तरपाई करदे आम, आपां नूं जे कोई सूई दऊगा तां उहनूं आपां तरपाई नूं वेख के करांगे, पर उह जिहड़ियां लेडीज हुंदियां उह इदां ही करदियां ने, स्वैटर जिहदा बुणदे आ, आप नहीं कर सकदे, लेडीज कर सकदे। इदां जिहदा आपां वट्टां दे बीज लाउंदे आ, जिहड़ा नवां बंदा बीज लाऊगा उह देख के लाऊगा मैं 2 फुट ते लायक नहीं, जिहड़ा दूजा होगा गल्लां करदा करदा 2-2 फुट ते लै जाऊगा उहदे सारे जम्मे होणगे, देखणा उह तजर्बा ही है। तो जो थोड़े गीतों के जो आप झात मारीए तो हमेशा जो समाज ना कुछ समाज जो बुराइया ने उन्होंने गीत के लिया के समाज जल्द आम होंगे ने जिड़िया कई बार जो आम आप किसी सिंगर को कही क्या गीत तू गा दे तो कह नहीं ये कोई कमर्शियल गल नहीं हैगी, पर तुम योजे रिस्क ले लें। देखो जज्बात तो वाडा कमर्शियल दुनिया च कुछ नहीं, वक्ती तौर पर मेरा नाम जोकर बड़ी फ्लॉप फिल्म सी, पर कई साल बाद लोगों को लगा कि इदो वधिया फिल्म नहीं हो सकती, बहुत बड़ा इमोशनल ड्रामा सी। राज कपूर जिहड़ा सारी उम्र सक्सैसफुल फिल्मां जिन्हां ने बनाई है ना वो आप भी टुट गए सी, सारा कुछ बिक गया, फिर बॉबी भी बनाई। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि मैं भी कई बार सोचता हूं कि मैं रोमांचित गाने लिखा, क्योंकि जिन्ना चिर आप आम तौर पर तकरीबन गाना इश्क ते हुंदा, प्यार दी गल करदे आ, चाहो उहनूं धार्मिक तरीके नाल सोच लो, चाहो मुहब्बत के तरीके ना सोच लो, तो प्यार तो बड़ी कोई दुनिया चीज़ नहीं मनी जाती, पर कितने ना कितने फिर जिदा कहना पता नहीं क्यों मैं समटाइम रिएक्ट कर जाना, कई बार मैं कोशिश करता क्योंकि इदा की गायकी की एक सब तो बड़ी प्रॉब्लम है कि विवाद बहुत उठते हैं, विवाद च बहुत लोग तो सही विवाद च हिस्सा लेने, कुछ उदा ही ले लें जिन्होंने कोई ना नॉलेज होंगी है, ना उन्होंने गीत का पता होंगे, ना उन्होंने शब्द का पता होंगे, उदा ही जिम्मे बस एक साढ़े पंजाब एक नवा प्रॉब्लम की हो गया कि हर बंदा लीडर है, रैलियां का जलसों का बड़ा रवाज हो गया, तो कोई बंदा रिएक्ट करता उहदे नाल बैटर फिर होंगे भी आप जो ये काम वह करता जिन्होंने प्रेस च रहने का शौक होंगे। जो पहला अपना धर्म कीता सी उदों भी बड़े कुछ लोगों का यह सोचना सी, एक पत्रकार भी है अक्सर मैं उहदा जिक्र करदा,
भी शायद जान बुझ के इदा बवाद किया। उदो बाद फिर मैं लगे मैं संकोच किया कि शायद बहुत लोग यह ना सोच लग जाने भी मैं कोई खबर च रहने का शौक है। तो फिर मैं उदो बाद मैं लगता कोई सोशल गल नहीं पर हाँ फिर एकम फिल्म बनाई सी वो तो खैर हर पिंड वाले की तराशती है। पासे नूं पंजाब दा पत्तन हो रहा एक पासे कंक्रीट कल्चर चल रहा जिहड़ा पंजाब नूं बहुत उत्ते ले जा रहा है कहने हैं बट अल्टीमेटली जिस प्रदेश या जिस खिते का जिहड़ा पेशा जो खोलो ना उन्होंने आने वाली नस्ल खत्म हो जाएगी जिदा साडा पेशा खेती तो जे वाहीजोग जमीना ते कंक्रीट आजूगा ना बेजमीनी हो जाएंगे लोग तो हताब नहीं आ सकते। तो मान साहब जी पंजाबी फिल्म आ साल से एक दो ही पंजाबी फिल्म जी रिलीज होंगे तो जिदा तुसी पहला लोग नहीं चक नहीं रहे लोगों का जिहड़ा रिएक्शन मूवी लई है नहीं साडी पता नहीं कारण समझ नहीं। मैं तो जी एक चीज़ पढ़ी है हालांकि अपन फिल्मा ठीक रहनियाँ पर आप सिनेमा नहीं बना सकते जो साउथ ने बनाया ये प्रॉब्लम है। असी 2-4 करोड़ तो सोच सकते हैं असी हूँ जिदा रजनीकांत दिल्मा 100 करोड़ की रोबोट बन गई 500 करोड़ की इदा नहीं सोच सकते तो साडा सिनेमा लिमिटेड रहेगा असी कुछ नवं नहीं कर सकते। हूँ देखो जिदा हूँ ग्राफिक्स का जमाना सपोज कर लो जिदा हूँ अपन फिल्म ग्राफिक्स के कुछ शॉट है तो जो जी उन्हों की कॉस्ट बनती 40-50 लाख बनती है मतलब समझ लो जो फिल्म 2-3 करोड़ लाना तो 50 लाख होर लाना पेगा पर उसकी रिटर्न है नहीं। अच्छा जे ग्राफिक्स नहीं करते तो शॉट नहीं सोहने लगते। सो पंजाब की पता नहीं चोरी का माल जिदा पायरेटेड सीडियां देखने की आदत पैगी चोरी का म्यूजिक सुनने की आदत पैगी तो वैसे आप मत्था टेकते गुरु घर भी चोरी नहीं करनी झूठ नहीं बोलना सब तो वड्डी चोरी जो कंप्यूटर खोलते हैं यह भी एक चोरी है। सो इस चोरी ने म्यूजिक खा लिया तो पंजाबी फिल्मों का सुनहरा भविख बनता बनता फिर रुक जाता क्योंकि जो जे एक पंजाबी की फिल्म चंगी चलती है तो कई प्रोड्यूसर उठ गए पर वो बाद च बेचारे थोड़ा पता उन्होंने काफ़ी नुकसान होंगे फाइनैशियली तौर पर 100% होंगे साढ़े फिल्म लोग अजे भी तुम मान लो गल ये बड़ी क्लीयर है कि कनेडा रिस्पोंस दे रहा है या पंजाब दे रहा है अमेरिका च कोई रिस्पोंस नहीं पंजाबी फिल्मों ईवन हिंदी नहीं उत्ते इंग्लैंड पब्लिसिटी बहुत महंगी है आस्ट्रेलिया तो एक आस है आप हिंदी दाफ़ी व्डे बजट दिल्मों से झात मारी है तो उन्होंने भी पंजाबी स्टोरी होंगी है यही दुख की गल है जी जी पंजाबी फिल्म है वह जो बिजनेस 2 करोड़ होजू वो तो वह 2.5 होजू पंजाब इतने का तो मैं अजय इतने डिफरेंट फिगर है पर जो कोई हिंदी नुमा पंजाबी फिल्म बनती पंजाबी नुमा बनाने हिंदी वाले वो 5 करोड़ कमा ले जाती है। सिंग इज किंग वध कमा ले जाती है साडिया फिल्मा घट कमा ये नहीं समझ लगी क्यों यदा मतलब लोगों को बॉम्बे ज़्यादा वधिया लगता है या बॉम्बे बड़ा लगता है या उन्होंने लग ही नहीं रहा भी जिहड़ा काम आप कर रहे हैं जिहड़ा एफर्ट असी कर रहे हैं सारी हक की कमाई लाने तो बाद भी उन्होंने लगता कि शायद ये बहुत वधिया काम नहीं कर रहे। फिर मैं लगता सानू भी बाया बॉम्बे ही आना चाहिए वी शुड मेक सानू नहीं बनाने चाहिए फिर यही चाहते लोग। तो जिदा तुम बॉम्बे की गल की बॉम्बे रहने म्यूजिक कर जाने होर काम कार कर भी जाने हो कभी यह सोचा कि भी तुम भी उस इंडस्ट्री वागू पंजाबी छड़ के उधर हो जाओ। मेरा पैशन बड़ा सी जी फिल्मों का मैं फिल्मों से मैं अदाकारी का तो बहुता नहीं कदम सोचा मैं डायरेक्शन का तो बड़ा शौक से क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित गुरुदास साहब तो बड़ा प्रभावित सत्यजीत रे साहब दिल्मा देखिया पर क्योंकि पहली फिल्म जी बनाई वो इन्ने उजड़ गए भी उदो बाद फिर हिम्मत नहीं पई वापस जाने की फिर वापस आ गए पर कोशिश तो यही है कि जो पंजाबी स्ट्रोंग कर लिए असं इतने बैठ के भी हिंदी पंजाबी मिक्स बना सकते हैं पर जिस हिसाब से उन्होंने फिगरस असं जो देखते हैं जो दबंग 300 करोड़ का बिजनेस कर दी है फिल्म तो नॉर्मल सी तो पंजाब भी बहुत कलैक्शन कर दी है ना तो जी असं पंजाबी बना रहे पंजाब ही उन्ना रिस्पोंस ना मिले फिर औखा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग च यह भी गल है कि जो सुभा है बड़ा अड़ब सुभा है परसनली तो कदे नहीं किसी ने झगड़ा इतने भी थोड़े शो करते हैं मेरा तो कदम किसी ने डिस्प्यूट नहीं होया बदनो बदनाम बुरा हो जाता जिदा कहने पहला तो यही बहुत साल धब्बा लगी गया भी नशे करते हैं हूँ हौली हौली लोगों के जहन च आया जो परसनली मिलते हैं पहला शायद म कम घट करके भी सी हूँ तो पर असं पिछले 2 साल तो बहुत कम कर रहे मैं तो हौली हौली इदा का वहम दूर हो जाता। तो जिदा पंजाबी फिल्मा या पंजाबी संगीत का की फ्यूचर है जिस हिसाब के पैरिसी तुसी दसी गलबात के बहुत कनेडा च 200 CD नहीं बिक सकती गरंटी है जी जो मर्जी इतने सिंगर आ के थोनू टीवी से बैठ के कहे या रेडियो से भी जी बहुत स्रोतिया ने माड़ा मूही प्यार दिता वह फ्री का प्यार है जब तक कैपिटल नहीं जुड़ूगी उदों तक कोई भी प्रोफेशन नहीं चल सकता।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 50-60 ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ VCD ਜਾਂ DVD ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, 3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, DVD ਲਾ ਦਿਉ। ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।